यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के चुनावी परिणाम आ गए हैं, जिनमें से चार राज्यों में भाजपा फिर से काबिज हो गई। बजट सत्र के दौरान जब परिणाम आए तो विधानसभा में जश्न का माहौल था। इन परिणामों से कांग्रेसियों में मायूसी छाई रही। फिर भी बजट सत्र में कांग्रेसियों ने शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। मामला प्रश्नकाल का है, जब सुखदेव पासे के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का जवाब बहिर्गमन का कारण बन गया। उधर परिणामों से उत्साहित सीएम शिवराज सिंह चौहान छोटे तालाब पर शुरू हुई कायाकिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पहुंचे। विधानसभा के दौरान गुरुवार को बजट पेश किए जाने के बाद इस पर चर्चा होना है। इसको लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 15,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इसी बीच यूपी, पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड के चुनावी नतीजे सत्ता पक्ष के लिए खुशियां लेकर आए। सदन में ही बीजेपी नेताओं ने कांग्रेसियों की खिंचाई की, वहीं परिणाम से खुश होकर विधायकों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को मिठाई भी खिलाई। मोदी जी श्रद्धा और विश्वास और योग कामों को ठीक से नीचे इम्प्लीमेंट किया, और वैसे ही मणिपुर में बीरेन, उत्तराखंड में पुष्कर धामी जी ने, गोवा में प्रमोद सावंत जी ने योजनाओं को ठीक से जमीन पर पहुंचाने का प्रयास किया है। इन चुनाव परिणामों से एक बात साफ हो गई है, तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में अब नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफल नेतृत्व में अभूतपूर्व बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आया है, जनता का विश्वास जीता और आज पूरा देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है, उसका नतीजा है। मैं प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के लिए बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं देता हूं। चारों राज्यों में भाजपा का जीतना राष्ट्रनायक मोदी जी के महामंत्र की सिद्धता को दर्शाता है, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का परचम फहराया, व्यक्तिवादिता परिवारवाद हारा है, राष्ट्रवाद जीता है। उधर परिणाम से भले ही कांग्रेस निराश हो, लेकिन विधानसभा में सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा गया। यही वजह रही कि प्रश्नकाल के दौरान सुखदेव पासे के सवाल का जवाब जब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिया तो सारे कांग्रेसी इससे असंतुष्ट होकर सदन के बाहर चले गए। इस बीच पासे ने सरकार की पट्टा देने की नीति और नियत पर सवाल उठा। नजूल के पट्टे से मुक्त करके शहरी इलाकों में आम नागरिकों को उनकी जो पुश्तैनी जमीन है, उनकी जो 50-100 साल से जो प्लाट, मकान और जमीन है, उसको भू स्वामित्व का अधिकार सरकार को देना चाहिए। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार का ठिकरा पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने ईवीएम पर फोड़ा है। ऐसे कैसे हो सकता है, एग्जिट पोल में हमेशा चेंज आया है, बदला है, पहली बार है कि इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रायोजित है और ईवीएम में ईवीएम घोटाला है। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान समय निकालकर छोटे तालाब पर पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की कायाकिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए प्रतियोगिता के सफल आयोजन की उम्मीद जताई। जुझारू जाबाज और शानदार पुलिस अफसर संजीव कुमार सिंह जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी स्मृति में इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। जल्दी हमें छोड़ के चले गए, लेकिन जब भी मध्य प्रदेश पुलिस का जिक्र होगा, सदैव लोग स्वर्गीय संजीव कुमार सिंह जी का नाम बड़े आदर के साथ लेंगे। वो हमेशा याद किए जाएंगे अपने कामों के कारण। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते, वो जल्दी हमें छोड़ के चले गए, लेकिन हम उनकी स्मृतियों को संजो कर रखेंगे। और आज की ये प्रतियोगिता उनकी स्मृतियों को संजो कर रखने का भी प्रयास है। गुरुवार का दिन 5 राज्य गोवा, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर के चुनाव परिणाम का दिन था, और इनमें से 4 राज्य बीजेपी के हाथ में आए, तो कांग्रेस को भी निराशा हाथ लगी। ऐसे में आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में पार्टी की दशा और दिशा पर चर्चा होगी, तो वहीं बजट सत्र में कांग्रेस पूरा दम लगाकर अगले चुनाव की तैयारी को भी परखेगी। उधर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में 4 राज्यों में मिली चुनावी सफलता का जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर नाच गाकर जीत को सेलिब्रेट किया, तो उत्साही कार्यकर्ताओं ने पटाखे भी चलाए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस जीत को पीएम मोदी की जीत बताया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे सीएम शिवराज ने बबुआ यानी अखिलेश यादव और बाबा यानी राहुल यादव पर कटाक्ष किया। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है,
प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विजय का एक अभूतपूर्व इतिहास रचा है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 1985 के बाद कोई सरकार दोबारा लौट के नहीं आई, 5 साल के बाद बदलती ही थी, लेकिन एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की विजय ने आज एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बात करते हैं शहर में होने वाले अपराध की। गुरुवार को बी की एक छात्रा ने अपने सहपाठी पर रेप का आरोप लगाया है। मामला पिपलानी थाना क्षेत्र का है, जहां बी कर रही छात्रा ने बताया कि वह बाहर से शहर में पढ़ाई करने के लिए आई थी। इसी दौरान मोहल्ले में रहने वाले अभिषेक से उसकी दोस्ती हो गई। अभिषेक ने उसे बातों में उलझाकर एक दिन होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। इस बीच छात्रा ने अभिषेक द्वारा किए गलत काम की जानकारी पुलिस को देने की बात कही तो उसने तुरंत कहा कि वो उससे शादी करेगा। इसके बाद वह लगातार दुष्कर्म करता रहा, लेकिन बाद में अपनी बात से मुकर गया। ऐसे में युवती ने पिपलानी थाने में जाकर मामला दर्ज करा दिया। थाना पिपलानी अंतर्गत एक केस रजिस्टर्ड किया गया है, जिसमें फरियादिया ये पीड़िता है, उसी के साथ पूर्व में स्कूली एजुकेशन में साथ मेरा आरोपी जो वर्तमान में सब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, उसके द्वारा उस शादी का झांसा देख करके पिपलानी थाना अंतर्गत एक होटल है वहाँ पर रेप की घटना कारित की। बाद में शादी से मुकर गए और पीड़िता की रिपोर्ट पर FIR हुई। आरोपी सब इंजीनियर की जो पढ़ाई कर रहा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश से रतलाम, सागर, नीमच में बूंदाबांदी के साथ उज्जैन के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हुई, जिससे खड़ी फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। क्योंकि अभी खेतों पर गेहूं की फसलें खड़ी हैं, जिसके कारण किसान चिंतित हैं। मौसम विभाग ने कहा कि आगे बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है।